एक मूर्ति होती है जो स्वयंभू मूर्ति होती है, उसमें से चैतन्य होता है। उसी प्रकार इस फोटो में से चैतन्य है। तो फोटो को पहले आपको इस्तेमाल आलंबन लगता है, उसको करना पड़ेगा। अब उसमें भी अहंकार लोगों का हो जाए कि हम अपना ही फोटो क्यों ना लगाओ, तो लगा लो भाई, लेकिन होता नहीं ना काम। तो हमारे फोटो में चैतन्य है, उससे आप इस्तेमाल करिए। उसको इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि उसके सामने एक दीप जला लें और दोनों हाथ उसके ऊपर ऐसे करके बैठें। और अगर आपके हाथ के अंदर कुछ ठंडक सी महसूस हो रही है तो ये जान लें कि इस हाथ में ज़्यादा हो रही, इस हाथ में ज़्यादा हो रही। समझ लीजिए आपके इस हाथ में ज़्यादा हो और इसमें कम हो रही, इसका मतलब है आपकी जो लेफ़्ट साइड है वो कमज़ोर पड़ गई, जाहिर है। तो उस वक्त में आप लेफ़्ट हैंड हमारे फ़ोटो की ओर करिए, ज़मीन पे बैठ जाइए और राइट हैंड ज़मीन पे रख दीजिए। तो लेफ़्ट में शक्ति दौड़ना शुरू हो जाएगी, यहाँ से गुजर करके वो ज़मीन के अंदर चली जाए। समझ लीजिए राइट हैंड में कम है। तो आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, सामने एक दीप रखिए, दीप नहीं, लेफ़्ट हैंड जिस वक्त रखिए तब दीप रखें, और जब राइट हैंड रखें तब दीप नहीं रखें। तब आप राइट हैंड हमारे ओर करिए, लेफ़्ट हैंड ऊपर की ओर करें और पानी जल तत्व नीचे रख के उसमें थोड़ा नमक डाल दें, उससे आपकी सफाई हो जाएगी राइट साइड। यह सब लिखा हुआ है किताब में, मेरे विचार से लिखा है। अच्छा, फिर दोनों हाथ फोटो की ओर करें और देखें दोनों हाथ में एक जैसा आ रहा है। अगर वैसा शुरू हो जाए तो फोटो के आगे रोज़ रात को सोने से पहले एक दीप जला देने का, दोनों हाथ फोटो की तरफ, फोटो को देखते रहे और दोनों पैर पानी में नमक डाल के गरम गुनगुना, जैसा चाहे वैसा पानी या ठंडा, एक 5 मिनट उसमें बैठने पर हाथ में जब झर 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 चैतन्य बहना शुरू हो जाए और सर में से भी चैतन्य निकलना शुरू हो जाए तो पैर पोछ करके चित्त यहाँ रख के सो जाए। फिर सवेरे बाहर जाने से पहले फोटो के आगे थोड़ी देर ध्यान करें और अपने को माँ के कवच में डालें, उसे हम लोग बंधन कहते हैं। इस तरह से घुमा करके कवच कैसा देना आपने बताया डॉक्टर, कवच डालें और कुंडलिनी का जागरण फिर से एक बार करके बाहर चले जाएं।